दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको चैनल फैंटेसिटी में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान और हैदराबाद के मैच बीच में जो मैच होगा आईपीएल का, 28वां मैच है, तो इस मैच के बारे में बात करें, ड्रीम इलेवन का टीम और साथ ही साथ दोनों ही टीमों का प्लेइंग इलेवन और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। और कल दो मैच है, इस मैच का वीडियो मैं कल दोपहर से पहले डाल दूंगा। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको आज की मैच जो चल रहा था मुंबई और चेन्नई के बीच में, मैं आपको दो टीम दिए थे, अभी रिव्यू में है। तो दोनों ही टीम में मैं आपको विन, आपका फर्स्ट रैंक आया होगा क्योंकि बहुत ही अच्छे परफॉर्म किया है हमारी टीम ने। अब देख सकते हो जो टीम मैं दिया था आपको, तो ये 1-1 मैच खेला था, ये जीत गया हमें। और यहाँ पर चार मेंबर वाला मैच खेला था जो जिसमें मैं रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया था और राइडू को वाइस कैप्टन बनाया था, आपको भी इस टीम दिखाया था, तो ये भी मैं जीत गया। तो उम्मीद करता हूँ आप सब जीते होंगे। और ग्रैंड लीग के जो एक टीम दिए था आपको, उस टीम में मैं दुमिनी को आपको कैप्टन बनाने को कहा था। दुमिनी खेलेगा, हमें हाई चांस बोला था तो खेल गया, लेकिन बॉलिंग भी नहीं मिला और बैटिंग भी नहीं मिला, इसलिए नहीं कुछ नहीं हो पाया। अगर बैटिंग बॉलिंग मिलता तो कुछ हो सकता था। तो दोस्तों छोड़िए उस वीडियो को, बात अभी इस मैच के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। तो दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये मैच जयपुर में होगा जहाँ पर राजस्थान रॉयल हारते नहीं है, लगभग सारे मैचेस जीतते हैं, तो एक दो हार सकते थे। और यहाँ पर जो पिच है बैटिंग के लिए तो न्यूट्रल है, थोड़ा सा बॉलिंग फास्ट बॉलिंग को स्लाइड सी हेल्प मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 160 से 170 तक आपका एक 150 60 70 का एक एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है। तो राजस्थान रॉयल के जो प्लेइंग इलेवन हो सकते थे, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज हो सकता है, मैं आपको बता दूंगा। अभी अजिंक्य रहाणे कैप्टन है, खेलेगा, उसके साथ राहुल त्रिपाठी दोनों ओपनिंग करेगा। तो बैटिंग हिट ऑर्डर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, वन डाउन संजू सैमसन आएगा जो जबरदस्त फॉर्म में है, और यहाँ पर अजिंक्य रहाणे भी ठीक ठाक फॉर्म में है। राहुल त्रिपाठी अभी ओपनर खेलेगा तो अच्छा कर सकते हैं। संजू सैमसन जो है बढ़िया फॉर्म में है, और बेन स्टोक बैटिंग में ठीक ठाक कर रहे हैं लेकिन बॉलिंग में विकेट नहीं मिल रहा है। और हेनरी क्लासन को दो मैच लगातार खिलाया है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इस मैच में हो सकते हैं कि डार्सी शॉट को फिर से मौका मिले। तो दोस्तों हाई चांस है डार्सी शॉट के। तो यहाँ पर जॉस बटलर आपके लिए एक ही ऑप्शन होगा, मैं मेरे हिसाब से जॉस बटलर को विकेट कीपर चूज करना होगा आपको, क्योंकि रिद्वान शाह अच्छे खेल नहीं पा रहे। तो यहाँ पर गौतम है ऑलराउंडर सेशन में, आपके क्रेडिट के प्रॉब्लम बचाएगा। और यहाँ पर जोफ्रा आचार जो पिछले मैच में खेला था, मैंने कहा था जबरदस्त परफॉर्म कर सकते, ऐसे बॉलर है और बैटिंग भी कर सकते हैं, तो इसे अपनी टीम में रखिए, मिस मत कीजिए। कुलकर्णी है जो एक दो विकेट निकल रहे हैं एक एक करके। अब सायस गोपाल जो है कभी तीन विकेट निकाल लेते हैं, कभी जीरो पर जीरो विकेट निकालते हैं। तो जयदेव बुनादकर एक आध विकेट निकाल सकता है, अभी फॉर्म में नहीं है। तो ये हो सकता है कुछ प्लेइंग इलेवन राजस्थान रॉयल की। अब बता दूँ राजस्थान रॉयल पिछले दो मैचों में एक एक मैच जीत कर आए हैं अभी, तो प्लेइंग इलेवन में हो सकता है सेम प्लेइंग इलेवन रखना चाहेंगे और हो सकता है डार्सी शॉट को लौटा भी ले। तो यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करो तो यहाँ पर बैटिंग में सनराइजर्स हैदराबाद बहुत ही कमज़ोर हो रहा है लेकिन बॉलिंग बहुत ही मजबूत है। हालांकि भुवनेश्वर कुमार अभी इंजर्ड है, उनके बारे में कुछ न्यूज़ नहीं आए, फिर भी बॉलिंग बहुत अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पर चेंजेस अगर होगा तो बैटिंग मजबूत करने के लिए एलेक्स सेल्स को लाया जा सकता है। शिखर धवन ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया फॉर्म में है, और विलियमसन तो जबरदस्त फॉर्म में है। और यहाँ पर रिद्वान शाह की जगह पर श्रीवत्स गोस्वामी आ सकते हैं क्योंकि रिद्वान शाह लगातार हर मैच में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बैठना चाहिए। और मनीष पांडे और शकीब अल हसन और यूसुफ पठान ठीक ठाक बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, सॉरी बैटिंग कर रहे हैं, और शकीब अल हसन बैटिंग बॉलिंग दोनों ही अच्छे कर रहे हैं। और मोहम्मद नबी की जगह पर यहाँ पर हो सकता है या कि ज़्यादा हाई चांस है, हाँ
एलेक्स सेल्स को लाया जा सकता है ग्रैंड लीग में, एलेक्स सेल्स को कैप्टन बनाइए। रशीद खान अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं और थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। बासिल थाम्पी बहुत अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार आएगा तो बासिल थाम्पी को बैठना पड़ेगा, क्योंकि संदीप सारा बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है और अच्छे बॉलिंग भी कर रहे हैं। बासिल थाम्पी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, संदीप शर्मा भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन संदीप सारा एक्सपीरियंस्ड है, तो इसलिए संदीप शर्मा को तो खिलाना चाहिए, बासिल थाम्पी को बिठाना चाहिए। तो सिद्धार्थ कौल तो हमेशा खेलता है और इस मैच में भी खेलेगा, अच्छे परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कुछ हैदराबाद की प्लेइंग 11। अब इम्पोर्टेंट प्लेयर जो हैदराबाद की है मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों ही टीमों का। अब शिखर धवन इम्पोर्टेंट है, केम विलियमसन, मनीष पांडे, शकील हसन, यूसुफ पठान, राशिद खान। अब यहाँ पर जो भुवनेश्वर कुमार इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके बारे में अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, तो डेडलाइन से 1 घंटे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं तो नहीं लूँगा, क्योंकि हाई क्रेडिट है और टीम मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो भुवनेश्वर कुमार को ऐसे ही रिस्की है तो छोड़ना चाहिए। तो सिद्धार्थ कौल अच्छे प्लेयर हैं और इम्पोर्टेंट प्लेयर है, और संदीप शर्मा भी इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा स्लाइड सी चांस है, अब टीम मैनेजमेंट बसिल थम्पी को खिलाकर संदीप शर्मा को भी बिठा सकता है, वो 5% चांस है। और यहाँ पर राजस्थान की तरफ से अगर बात करें तो अजिंक्य रहाणे, संजय सैमसन, बेन स्टोक, जॉस बटलर, गौतम और सैयद, सॉरी, जोफ्रा आर्चर, जयदेव उनादकट, सैयद गोपाल भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पिछले मैच में विकेट नहीं निकला था, और हो सकते हैं किसी और को भी चांस दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो खेलेगा 100%। तो ये होगा कुछ इम्पोर्टेंट प्लेयर और न्यूज़ आपको बता दें। अब मैं टीम बना कर रखा हूँ, जिस टीम से मैं खेलता हूँ वही टीम आपको दिखाता हूँ, एक नहीं दो टीम बना कर रखा हूँ, क्योंकि क्रेडिट के प्रॉब्लम की वजह से आपको किसी बड़े प्लेयर को छोड़ना पड़ेगा आज की तरह, जैसे रोहित शर्मा को छोड़ना पड़ा था, दूसरी टीम में कैप्टन बना था और दोनों ही टीम में जीत गया था, तो लॉसेस नहीं होगा ऐसे, तो मैं 99% कह सकता हूँ कि लॉसेस नहीं होगा अगर एक टीम हार जाती है तो। तो यहाँ पर जॉस बटलर को मैं विकेट की पोजीशन में रखा हूँ जल्दी जल्दी बताने के लिए, मैं कहना चाहता हूँ इन दोनों को इग्नोर करें स्मॉल लीग के लिए। अब यहाँ पर मैं शिखर धवन को मिस कर दिया, क्योंकि क्रेडिट के बहुत प्रॉब्लम है और बैलेंस टीम बनाना चाहिए था, और जो शिखर धवन की जगह मनीष पांडे को लिया वो भी अच्छे कर रहे हैं, तो मनीष पांडे आपका क्रेडिट मेंटेन करने के लिए अच्छे होगा। तो यहाँ पर अजिंक्य रहाणे और केम विलियमसन, संजय सैमसन और मनीष पांडे, आप क्रेडिट मेंटेन कर सकते हो बॉलिंग में, ऑलराउंडर में और विकेट कीपर में, तो आप यहाँ पर शिखर धवन को ले सकते हो, तो आपकी मर्जी है। मैं दूसरी टीम में शिखर धवन को लेकर कैप्टन बनाया है, आपको दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर दो ऑलराउंडर के साथ गया हूँ जो मैं जो बेस्ट लगा, गोपाल के साथ आप जा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से गोपाल के साथ जाओगे तो आपको क्रेडिट मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गोपाल 8.5 क्रेडिट का है और मैं यहाँ पर गोपाल की जगह पर यहाँ पर गौतम की जगह पर सायस गोपाल को मैंने लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 8 क्रेडिट का है, तो आपको क्रेडिट मेंटेन होगा। दूसरी टीम में मैं मैनेज कर लिया, और यहाँ पर जोफ्रा आजाद जो जबरदस्त प्लेयर है, इग्नोर किया है भुवनेश्वर कुमार को और रशीद खान को अपनी टीम में रखा हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया प्लेयर है, हर मैच में 2 विकेट निकलते हैं, और सिद्धार्थ कौल भी तो विकेट कर बॉलिंग है, आप संदीप शर्मा के साथ जा सकते हो, लेकिन स्लाइड से रिस्की है, 5% रिस्की है। अब मेरे हिसाब से तो संदीप शर्मा को खेलना चाहिए। तो यह रहा मेरा पहला वाला टीम, प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पर मैं कैप्टन हमेशा की तरह यहाँ पर शकीबुल हसन को और वाइस कैप्टन बेन स्टोक को बनाया है, क्योंकि बेन स्टोक ऐसे बैटिंग है तो वो तो 100% बैटिंग में खेलता है जैसे ये सारे प्लेयर खेलता है, तो बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता हो सकता है शकीबुल हसन, उसके बाद बेन स्टोक, उसके बाद विलियमसन, क्योंकि विलियमसन बैटिंग है, पिछले मैच में जैसे 0 में आउट हो गया, इस मैच में भी आउट हो सकती है, इसलिए मैं उसे ऑलराउंडर के साथ जाता हूँ, बैटिंग या बॉलिंग दोनों में से किसी एक में परफॉर्म कर दे। और रहाणे पांडे को आप कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाइए, संजय सैमसन को वाइस कैप्टन बना सकते हो, ये सारे प्लेयर हैं, आप यहाँ पर जोफ्रा आर्चर और राशिद खान के साथ रिस्क ले सकते हो। तो दोस्तों ये पहले टीम हो गया, अब मैं आपको दूसरे टीम, अब पहले टीम में अगर आप
शिखर धवन के साथ जाते थे, शिखर धवन को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। अब दूसरे टीम में आपको दिखा देता हूँ, तो दोस्तों वो ये तो रहेगा आपका स्मॉल लीग का बेस्ट टीम, जो टीम वन है उसमें आप लीग ज्वाइन करोगे, दो तीन लीग ज्वाइन कर सकते हो। जितने का प्राइज एंट्री फी होगा उस एंट्री फी से आप इस टीम से ज्वाइन करोगे, टीम टू से। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर शिखर धवन को कवर किया और कैप्टन बना दिया। शकीबुल हसन ऐसे प्लेयर है, उनको कैप्टन वाइस कैप्टन हमेशा बनाना चाहिए, खास करके 1 से 4 वाले मेंबर्स वाले लीग में। तो मैंने शकीबुल को वाइस कैप्टन बनाया इसमें, इस टीम में भी। तो आप चाहे तो मैं भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर चाहे तो आप रहाने को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो इस टीम में, लेकिन कैप्टन आपको शिखर धवन ही होना चाहिए। रहाने को वाइस कैप्टन बना सकते हो। अब विलियमसन को मत बनाइए, क्योंकि दोनों ओपनर्स है, तो एक खेलेगा एक नहीं खेलेगा, जो कोई भी एक तो होगा। मेरे हिसाब से रहाने और आपका धावन आपकी इस टीम में बेस्ट हो सकता है, या तो आप शकीबुल को ही वाइस कैप्टन बनाएं। मैं चेंज कर सकता हूँ, अगर करूँगा तो मैं आपको डेडलाइन से 1 घंटे पहले मैं आपको बता दूंगा कमेंट।